प्रोग्राम टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट इट टू स्क्रीन। इसे पहले वाला वीडियो में एक नाम प्रिंट करवाए थे कैरेक्टर के हेल्प से। उससे पहले वाला वीडियो में कैरेक्टर को कैसे प्रिंट करना होता है वो दिखाए थे, तो वो सब वीडियो अगर देख लेते तो ये वाला वीडियो समझ में आसानी होगी। तो इस वीडियो में यूज़र से कैसे इनपुट लेके हम प्रिंट करते हैं स्क्रीन में वो हम दिखाएंगे। एक ही कैरेक्टर हम प्रिंट करके दिखाएंगे। तो इनपुट और आउटपुट के लिए हम लोगों को कौन सा रजिस्टर यूज़ करना होता है? एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज़ करना होता है। एक्यूमुलेटर में अगर 2 भेजते हैं तो वो प्रिंट करता है स्क्रीन में, अगर 1 भेजते हैं तो वो इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। तो मूव एच 1 अगर करते हैं तो इनपुट लेते हैं यूज़र से, अगर एच रजिस्टर में 2 भेजते हैं तो स्क्रीन में आउटपुट देने के लिए यूज़ होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये सर्विस रूटीन है, इम्पोर्टेंट जो सर्विस रूटीन है वो मैं 4 या 5 लेसन में समझाए थे, वो वाला लेसन अच्छी तरह देख लीजिएगा। तो कोडिंग के लिए अगर इनपुट लेने के लिए हम लोगों को प्रोग्रामिंग करने है तो मूव एच 1 एक्यूमुलेटर रजिस्टर को 1 भेजना होगा, उसके बाद इंटरप्ट कॉल करना होगा कि रुक के, प्रोसेसर को रुक के यूज़र से इनपुट ले लो या प्रोग्राम को रुक के इनपुट ले लो। उसके बाद जो एच 1 जो है, ये 1 हम ये सर्विस रूटीन यूज़ किया यूज़र से इनपुट लेने के लिए। अभी यूज़र इनपुट डाल दिया, इनपुट कहाँ पे रहेगा? एक्यूमुलेटर रजिस्टर पे ही रहेगा, AL पे रहेगा। तो AL पे अगर कोई वैल्यू रहेगा वो डायरेक्टली आप प्रिंट कर नहीं कर सकते हैं, उसको किसी और रजिस्टर में लेके जाना पड़ेगा। तो मूव DL टू AL करते हैं, AL में जो वैल्यू है वो DL रजिस्टर में चला जाएगा, DL रजिस्टर से हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। तो AL से DL में भेजने के लिए मूव DL उसके बाद AL लिखना होगा, ना कि AL के बाद DL लिखना होगा, ऐसा नहीं। जिससे आप वैल्यू उठाएंगे वो लास्ट में रहेगा, जिसमें आप वैल्यू डालेंगे वो फर्स्ट में रहेगा। AL से वैल्यू उठा के DL में रखना है तो DL को फर्स्ट में रखना है। तो मूव DL कॉमा AL, उसके बाद DL में वैल्यू चला गया, हम लोगों को प्रिंट करना है और कोई काम नहीं है नहीं। तो मूव AH उसके बाद 2 भेज दिया प्रिंट करने के लिए, उसके बाद इंटरप्ट कॉल कर देना है, उसके बाद प्रोग्राम से निकलने के लिए AH पे 4CH भेजना है और इंटरप्ट कॉल करना है। सिंपल प्रोग्राम है, डॉस बॉक्स में हम करके देख लेते हैं। डॉस बॉक्स खोलिए, डॉस बॉक्स खुल गया, जहाँ पे मज़म पड़ा हुआ है वहाँ पे जाके वो वाला पाथ हम लोगों को माउंट करना है। मेरा मज़म पड़ा हुआ है सी ड्राइव में MASM करके एक फोल्डर में, ये वाला पाथ को हम लोगों को माउंट करना है डॉस बॉक्स में। तो माउंट के लिए सी, उसके बाद सी कोलोन और वो वाला पाथ माउंट हो गया। अभी सी में जाना है, यहाँ पे डॉस का कमेंट सीडी करके सी कोलोन नहीं लिखना है, सिर्फ सी कोलोन लिखने से ही काम बन जाएगा। सी कोलोन उसके बाद एंटर मार देने के बाद सी ड्राइव में चला गया, मतलब वर्चुअल सी ड्राइव में चला गया, जहाँ पे मैजम पड़ा हुआ है वो वाला लिंक पे चला गया, वो वाला पाथ में चला गया। अभी यहाँ पे फाइल क्रिएट करना है, तो एडिट उसके बाद फाइल नेम file2.asm, अगर फाइल टू होगा तो खुल जाएगा, अगर नहीं होगा तो क्रिएट हो जाएगा। तो ये वाला फाइल टू हम क्रिएट कर लिया। यहाँ पे हम लोगों को प्रोग्रामिंग करना है, पहले तो सेगमेंट मैनेजमेंट के लिए पहले तो हम कमेंट करके प्रोग्राम का नाम दे देते हैं, प्रोग्राम टू प्रिंट ए कैरेक्टर विथ यूजर इनपुट।
उसके बाद हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, तो पहले डॉजेक लिखना होगा। डॉजेक होता है हर सेगमेंट के ऑटोमेटिक अरेंजमेंट के लिए। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट के लिए मॉडल स्मॉल लिखना होगा। स्मॉल मेमोरी मैनेजमेंट में हम लोग का प्रोग्राम बन जाएगा। उसके बाद स्टैक मैनेजमेंट के लिए डॉट स्टैक, हम लोग 100H यूज़ करते हैं। ये सब का डिटेल्स हमने पहले वीडियो में बहुत बार बोल चुके हैं। इसके बाद डॉट डेटा, डेटा सेगमेंट के लिए। उसके बाद डॉट कोड, कोड सेगमेंट के लिए। डॉट कोड ख़त्म होता है एंड मेन पे, और डॉट कोड के अंदर में हम लोगों को प्रोसीड्यूर बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मेन PROC करके प्रोसीड्यूर बना लिया, और प्रोसीड्यूर ख़त्म होता है मेन एंड पी करके। एंड पी एक साथ में मेन एंड पी करके अभी प्रोग्राम स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ के बीच में हम लोगों को प्रोग्राम लिखना है। तो जैसे कि मैं बताया था, इनपुट लेने के लिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर को 1 भेजना है। उसके बाद इंटरप्ट कॉल करना है INT21H। तो ये इनपुट ले लिया। अभी इनपुट जो है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में है, उसको DL में ट्रांसफ़र करना है। तो मूव DL कॉमा उसके बाद AL, इसके बाद DL में वैल्यू चला गया। अभी प्रिंट करने के लिए मूव H में 2 डालना है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में 2 भेजना है। उसके बाद फिर से इंटरप्ट कॉल करना है INT21H। अभी मेरा वैल्यू प्रिंट हो गया। प्रोग्राम से निकलने के लिए ALH में 4CH डालना है, 4CH भेजना है। और इंटरप्ट कॉल करना है। तो सिंपल प्रोग्राम कुछ नहीं था, सिंपल है बहुत प्रोग्राम। इसको सेव कीजिए, फाइल 2.asm करके सेव हुआ है। इसको एग्जिट कीजिए, और प्रोग्राम रन करने के लिए पहले मैजम से ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करना होगा। मैजम फाइल 2.asm सेमीकोलन लगाना मत भूलिए, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। उसके बाद लिंकर से लिंक करना है, लिंक फाइल 2.obj। यहाँ पे obj होगा ऑब्जेक्ट फाइल जो क्रिएट हुआ है, उसको लिंकर से लिंक करना है, और सेमी कोलन डालना मत भूलिए, कोई एरर नहीं। अभी फाइल को चलाना है, फाइल 2.exe। यहाँ पे देखिए रुका हुआ है इनपुट लेने के लिए। हम इनपुट डालेंगे और वही चीज़ प्रिंट होगा। तो यहाँ पे एस डालें और एस प्रिंट करके दिया। ये जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली सेव हो गया मैजम फोल्डर के अंदर। तो वहाँ से मैं प्रोग्राम को कॉपी करके EMU में भी चला कर दिखा देते हैं। ये फाइल 2.asm, ये वाला फाइल को एडिट करते हैं और पूरा प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे प्रोग्राम को कॉपी करके चला के दिखा देता हूँ, आप डायरेक्ट EMU में कोडिंग करके भी देख सकते हैं। न्यू करते हैं, कॉम टेम्पलेट में ओके करते हैं, जो है इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं जो प्रोग्राम हम किए थे डॉस बॉक्स में। और ये डॉजेक जो है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे मैनेज होता है, तो डॉजेक नहीं चाहिए यहाँ पे, डॉजेक को डिलीट कर दीजिए। बस प्रोग्राम रेडी है, इसको रन करके चला के देख लेते हैं।
ये प्रोग्राम रन के लिए इमुलेट बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो विंडो आएगा इमुलेटर, उसमें रन बोल के जो बटन है उसमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर विंडो में इनपुट मांगने के लिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पे जो भी इनपुट हम देंगे, यहाँ पे इनपुट देते हैं एफ, तो एफ प्रिंट करके दे दिया। एक बार ये एफ टाइप किया और एक प्रिंट करके आउटपुट दिया। तो दोस्तों आप लोग देखें कि कैसे प्रोग्राम करते हैं डॉस बॉक्स में या EMU 8086 में। प्रोग्राम जो है वो सेम ही है सब जगह पे। मैं यहाँ पे कॉपी करके चलाया डॉस बॉक्स में जो प्रोग्राम किए थे। तो आपने देखा कि कैसे इनपुट लेना होता है असेंबली लैंग्वेज में और कैसे प्रिंट करना होता है। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।